नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो हिमालय चल रहा था। तो हिमालय हमने एक जो नॉर्थ के जितने माउंटेन आते हैं वो बता दिया है, उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर हिमालय जितने आते हैं माउंटेन ये हमने बता दिया है, उसके बाद से दक्षिण भारत या मध्य भारत के जो माउंटेन आते हैं इस पे हम लोगों का क्लास चल रहा है, जिसमें से हमने अरावली श्रेणी के बारे में बता दिया है। और पिछले वीडियो हमने कुछ विंध्याचल जो श्रेणी है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने कुछ समझाया था। तो आज का जो वीडियो रहेगा, सेशन रहेगा, तो उसी ही विंध्याचल श्रेणी पे ही, क्योंकि हमने बताया था पिछले वीडियो में जो विंध्याचल श्रेणी है या विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी, दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये किसी पर्वत का नाम नहीं है, हमने बताया था उसमें कि ये ग्रुपों का ही पर्वत है, यानी कई पर्वतों को मिलाकर के ही विंध्याचल या विंध्य पर्वत बोला जाता है। तो उसमें हमने बताया था ये लगभग पूरे मध्य भारत में ही इसका आता है, कई एरिया फैला है, जैसे गुजरात हो गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक ये विंध्य हिमालय विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, जो विंध्याचल श्रेणी है उसी का ही एक पार्ट समझेंगे। कौन सा? कैमूर पहाड़ी, ये बहुत ही फेमस है, सुने होंगे आप लोग कैमूर पहाड़ी। देखिए यही है कैमूर पहाड़ी, ठीक है। ये है हमारे एक क्लास हो गया है अरावली श्रेणी का, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। और ये है विंध्या श्रेणी, देखिए विंध्याचल विंध्य श्रेणी जो है गुजरात से लेकर के हमने बताया था, और यहाँ पे है कौन सा आपका बिहार, यहाँ है आपका झारखंड, उसके बाद से यहाँ छत्तीस, यानी ये कह सकते हैं कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक ये मिला जुला के विंध्या श्रेणी फैला हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत कई श्रेणियां आ जाती है, जैसे कैमूर पहाड़ी हो गया, सतपुड़ा पहाड़ी हो गया, मैकाल पर्वत श्रेणी हो गया, ये सब आते हैं, महादेव पहाड़ी हो गया, सब हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आज का जो हम लोग समझते हैं वो है कैमूर पहाड़ी। देखिए यहाँ पे है आपका कैमूर पहाड़ी, ठीक है। अब विंध्याचल श्रेणी जो है, देखिए यहां से यहां तक फैला है विंध्याचल श्रेणी, अब इसी का सबसे पूर्वी भाग है आपका कैमूर पहाड़ी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कैमूर पहाड़ी कहाँ पे है, तो विंध्याचल के सबसे पूर्वी भाग में है कैमूर पहाड़ी, जो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश और ये बिहार तक फैला हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। दो भागों का मतलब क्या है कि देखिए विंध्याचल पर्वत गुजरात से लेकर के बिहार तक है, तो यानी दो पार्ट में डिवाइड करता है। इधर हो जाएगा आपका कौन सा, इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ, बस। और ये कहां कहां तक फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद से छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसके भी आ जाते हैं। अच्छा, जो विंध्याचल श्रेणी है ये जल विभाजक यानी दो नदियों का जल का क्षेत्र जो है उसको बहुत ही बड़े मात्रा में डिवाइड करता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की फेमस नदी है वो नर्मदा नदी है, उत्तर भारत की नदी देखेंगे तो गंगा नदी है। तो विंध्याचल श्रेणी जो है दो नदियों को एक डिवाइड करता है, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे जल विभाजक जो है नॉर्थ में यानी इधर, अगर विंध्याचल जो श्रेणी है उसके नॉर्थ में ऊपर अगर देखेंगे तो ये गंगा रिवर आ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड से निकलता है गंगा रिवर और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए अपना बांग्लादेश में चला जाता है। और जो साउथ में देखेंगे तो ये नर्मदा नदी है, साउथ में नर्मदा नदी, यानी विंध्य श्रेणी जो है गंगा रिवर और नर्मदा रिवर को ये अलग करता है, दो वाटर एरिया को अलग करता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं जो छोटा सा पहाड़ी है कैमूर पहाड़ी इसके बारे में। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, कैमूर पहाड़ी जो है विंध्याचल श्रेणी या विंध्य श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग है विंध्य श्रेणी के जो कैमूर पहाड़ी है, यहाँ पे हमने सिंबल बना रखा है। अब देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले, मध्य प्रदेश के, ये है आपका कौन सा एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे लास्ट छोर में आता है आपका जबलपुर जिला, जबलपुर जिले से उसके बाद से बीच में ही थोड़ा सा पार्ट आता है आपका यूपी, यूपी से क्रॉस करके बिहार तक जाता है, बिहार के सासाराम जिला तक
ये जाता है तक फैला हुआ है, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है जो कैमूर पहाड़ी है। इसकी अगर लंबाई देखेंगे तो 483 किलोमीटर की लंबाई है कैमूर पहाड़ी जो है। अभी जो कई फेमस नदियां हैं जो कैमूर पहाड़ी, यहीं से उसका उद्गम है, यानी नदियों का उद्गम जो है ये केन नदी, जानते होंगे केन नदी भी बहुत फेमस है, उसके वजह से कर्मनाशा नदी और एक तमसा नदी। तमसा नदी को या तमसा नदी या टोंस नदी को भी टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कैमूर पहाड़ी से जो नदियों का उद्गम हुआ है केन नदी, कर्मनाशा नदी, तमसा नदी या टोंस नदी। और सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है कैमूर पहाड़ी पे, जो है सद्भावना पीक। सद्भावना पीक जो है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिला में है। और जगह का नाम देखेंगे तो जगह का नाम आ जाएगा आपका, जगह का नाम आ जाएगा आपका सिंह रामपुर। कैमूर पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है सद्भावना पीक, जो दमोह जिला में है मध्य प्रदेश के, और उसका जगह का नाम देख जानेंगे अगर तो सिंह रामपुर है, ठीक है। इसकी हाइट जो है 752 मीटर की ऊंचाई है। बस इतना ही था कैमूर पहाड़ी में। अब हम लोग क्या समझेंगे, अगला जो समझेंगे ये है, देखिए जो नीचे का विंध्याचल के पैरेलल ही समानांतर ही आता है आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। यानी अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद से मैकाल पहाड़ी आ जाता है, उसके बाद से यहाँ पे महादेव पहाड़ी, यानी जितने छोटे छोटे पहाड़ी आते हैं जो विंध्य के अंडर आते हैं, जितने पहाड़ी या छोटे पर्वत या से पहाड़ी आते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या समझेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और जो साउथ के एक पर्वत आता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, इसके बारे में जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जितने इंडिया के माउंटेन पर्वत हिमालय और जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं और जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर किया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं इसी के टॉपिक पर। आज के लिए धन्यवाद।